नमस्कार, मैं हरिनाम सिंह सयाना चैनल में आपका स्वागत करता हूं और वेलकम करता हूं, हैप्पी गुड मॉर्निंग बोलता हूं। दोस्तों, मैं हरिनाम सिंह सयाना चैनल के द्वारा आप सबको अपनी हेल्थ के बारे में, तंदुरुस्ती के बारे में बताता हूं कि कैसे आप तंदुरुस्त रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, आज नवंबर का 3 तारीख हो गया, मौसम चेंज हो रहा है और बदलते मौसम में बीमारियों का महत्व बढ़ जाता है। और जब मौसम चेंज होता है तो झटका लगता है, जैसे जब आप ट्रेन पर बैठे हैं और ट्रेन जब पटरी बदलती है तो झटका मारती है। तो अब मौसम चेंज हो रहा है तो एक झटका लगेगा और इस झटके का लाभ बीमारियां उठाती हैं। और जब मौसम चेंज होता है तो बीमारियां बढ़ जाती हैं और इन बीमारियों पर काबू पाने के लिए आपको आयुर्वेद का सहारा लेना चाहिए और आयुर्वेद के योग के द्वारा या उनकी बताई हुई विधियों के द्वारा अपने आप को तंदुरुस्त रखना चाहिए। दोस्तों, आजकल सुबह और शाम मौसम ठंडा होता है, दोपहर में गर्म हो जाता है, यह मौसम का बदलाव है और इसी बदलाव में बीमारियां अपने महत्व को दिखाने लगती हैं या आक्रमण करती हैं। तो ऐसे मौसम में सुरक्षित रहना चाहिए। जब दोस्तों ठंड का मौसम आता है तो दमा के मरीजों को तकलीफ होती है, उन्हें फेफड़ों को भी तकलीफ होती है और सांस लेने की भी तकलीफ होती है और सर्दी खांसी हो जाती है, विशेषकर बुजुर्गों को और दमा के मरीजों को ठंड का मौसम नुकसानदायक होता है। तो बुजुर्गों के लिए ठंड के मौसम से बचाव करने के लिए मैं आपको आयुर्वेद का एक योग बताता हूँ। अगर आप आयुर्वेद का योग करेंगे तो हमारे बुजुर्ग भाई लोग सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, क्या करें कि आप 10 ग्राम में अदरक ले लें, 10 लौंग ले लें, 10 काली मिर्च ले लें और थोड़ा दालचीनी ले लें और थोड़ा गिलोय ले लें। गिलोय का पाउडर भी आता है, लकड़ी भी आती है। सबको कूट पीस करके कूट लें और उसको आप 2 गिलास पानी में बॉईल करने को धीमी आंच में रख दीजिए। और जब 1 गिलास पानी रह जाए तो उसमें गुड़ भी डाल दीजिए स्वाद के लिए। और इसके बाद जब 2 गिलास पानी 1 गिलास हो जाएगा तो इसको 2 बुजुर्ग या 2 आदमी चाय की तरीके से पी सकते हैं। यह एक आयुर्वेदिक काढ़ा बन गया और यह काढ़ा जिन लोगों को दमा की तकलीफ है उनको फायदा पहुंचाएगा, जिनको सांस लेने की तकलीफ है उन्हें फायदा पहुंचाएगा और जिनकी सांस नली में रुकावट है उन्हें फायदा पहुंचाएगा, सर्दी खांसी में फायदा पहुंचाएगा और आपको इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा, आपकी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। और दोस्तों, जो बुजुर्ग लोग हैं इस बड़े बदलते मौसम में अपनी सुरक्षा कर पाएंगे और खांसी सर्दी दमा जैसी तकलीफ से बचे रहेंगे। तो दोस्तों, आज से ये आप ये आयुर्वेदिक काढ़ा बनाइए और घर में बनाइए और पीना शुरू कर दीजिए और स्वस्थ रहिए और बदलते मौसम में बीमारियों से बचे रहिए। आपको हमारा चैनल में सुझाव कैसा लगा उसे लाइक करें और देखते रहें। नमस्कार।